15 दिन में 107.10% की गति से बढ़े मरीज, अधिक मरीजों वाले जिलों में अजमेर की रफ्तार सर्वाधिक। अजमेर सिविल लाइन क्षेत्र के लोहा खान से जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कंपाउंडर की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम पॉजिटिव कंपाउंडर के लोहा खान क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे के लिए पहुंची और क्षेत्र में रह रहे लोगों का किया सर्वे। कांग्रेसी पार्षदों का दल पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट, रसद सामग्री वितरण में गड़बड़ी का लगाया आरोप, शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने की मुलाकात, देथा ने जल्द कार्रवाई के दिए आदेश। जनप्रतिनिधि राशन वितरक को कर रहे परेशान, वितरक ने वार्ड 7 के पार्षद नरवाल पर लगाया राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप। रामगंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से निर्धारित मात्रा से ज्यादा बियर खरीदने वाली महिला को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में किया पेश, न्यायालय ने आरोपी महिला को भेजा जेल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के सहयोग से शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय जैन ने जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को 300 पीपीई किट किए भेंट। ओपीडी में पर्ची देखी तो मचा हड़कंप, बिना सुरक्षा उपकरणों के कोरोना पॉजिटिव को लेकर घूमते रहे जिम्मेदार, बिना मास्क मरीज आकर बोला मैं कोरोना पॉजिटिव। जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल, 2 रोगी ठीक, कोरोना रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बना एसएमएस। पहले दिन पुराने स्टॉक से पार हुआ 80 करोड़ का आंकड़ा, प्रदेश में 2 दिन में बिकी 115 करोड़ रुपए की शराब। पीएम मोदी ने की टास्क फोर्स टीम के साथ बैठक, कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंचा भारत, भारत में 30 वैक्सीन पर अलग अलग काम जारी, 4 वैक्सीन पर काम अंतिम चरण में पहुंचा।